हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश पवार आप सभी का स्वागत करता हूं राइट वैल्यू प्रॉपर्टीज में। राइट वैल्यू मेक्स यू हैप्पी। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की यूनिट सर्च कर रहे होते हैं, 3 BHK फ्लैट सर्च कर रहे होते हैं कि इंडिपेंडेंट फ्लोर हो, एक फ्लोर पर सिर्फ एक यूनिट हो, 100 स्क्वायर यार्ड कम से कम हो, 100 गज में बना हुआ 3 BHK फ्लैट, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग फ्लैट है, बहुत ही प्यारा काम इसमें किया गया है। पूरी कंप्लीट वीडियो मैं आपको बताऊंगा, एक प्रेजेंटेशन देते हुए समझाऊंगा आपको कि क्या क्या काम इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको मिलने वाला है, किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, क्या इसका लेआउट होने वाला है। दोस्तों, खास पॉइंट पे आपकी नजर डालना चाहूंगा, आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा। वो पहला ये कि ये प्रॉपर्टी मिल जाती है आपको फिफिन गार्डन एक्सटेंशन के अंदर, जो कि मेट्रो स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ इसका डिस्टेंस होने वाला है वो अप्रॉक्स 700 to 800 meters की दूरी पर होने वाला है, और द्वारका मोड़ और द्वारका मेट्रो स्टेशन के सेंटर की ये प्रॉपर्टी होने वाली है। इसके बाद आपको ये द्वारका के टच की प्रॉपर्टी है, तो आसपास आपको द्वारका के बहुत अच्छे स्कूल्स मिल जाते हैं, हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं, विगस मॉल आपको यहां से पास में मिल जाता है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहां से अगर गुड़गांव जाना है तो सिर्फ आप 25 से 30 मिनट के अंदर गुड़गांव पहुंच सकते हैं, नोएडा जाना है तो मेट्रो लेकर नोएडा जा सकते हैं। दोस्तों, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्री के साथ है, लोनेबल प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पर आपको लोन भी मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ हमारे पास अभी इसमें एक यूनिट बची है, फर्स्ट फ्लोर अवेलेबल है हमारे पास। जो लोग परचेज करना चाहते हैं जल्दी से वीडियो देखकर फटाफट से कॉल कीजिएगा। चलिए, टाइम नहीं गवाऊंगा, फटाफट से इसकी एक कंप्लीट विजिट कराऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, और सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा आपको ये रोड जिस पर ये फ्लैट है हमारा, जो बिल्डिंग है आप देख सकते हैं 25 फीट की वाइड रोड आपको मिलती है, और आसपास देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा है एरिया, और किसी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, मेट्रो के बिल्कुल पास है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, द्वारका और द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सेंटर की ये साइट होने वाली है, विपिन गार्डन। अब देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा फ्रंट एलिवेशन, आप देख सकते हैं ये किस तरीके से टाइलिंग वर्क किया गया है प्रॉपर इस पर, ताकि आपकी साइट सालों साल तक प्रोटेक्ट रहे, और यहीं से हमारी एंट्री हो जाती है हमारे पार्किंग स्पेस में। पार्किंग आप देखेंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये 100 स्क्वायर यार्ड 100 गज इंडिपेंडेंट फ्लैट है, एक फ्लोर पर सिर्फ एक यूनिट आपको मिलती है, 4 गाड़ियों की पार्किंग मिलती है, जिसमें आसानी से आप चाहेंगे तो 6 गाड़ियां भी पार्क हो सकती हैं, तो 4 गाड़ियां आपकी इजीली पार्क हो जाएंगी, साथ में अगर आपके पास बाइक है तो बाइक भी पार्क हो जाएगी। आप देखेंगे तो साइड में 5-5 फीट की हाइट तक यहां पर टाइलिंग वर्क किया गया है, ताकि इस पार्किंग को प्रोटेक्ट किया जा सके, इसका लुक भी अच्छा है, और पापड़ी जैसी सीलन जैसी प्रॉब्लम इसमें फेस ना करनी पड़े। दोस्तों, अब हम चलेंगे अपने अपर ग्राउंड फ्लोर पर, जिसकी आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, सैंपल फ्लैट जो हमने रेडी किया था दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इस फ्लैट के अंदर एलिवेटर यानी कि लिफ्ट सेक्शन भी एक्टिव है, लिफ्ट स्टार्ट हो चुकी है, अभी लिफ्ट नीचे आ रही है, देखिए आ गई है, और इसी में हम ऊपर चलेंगे हमारे अपर ग्राउंड फ्लोर पर। तो ये आ गए हमारे अपर ग्राउंड फ्लोर पर, और यहीं से हमारी एंट्री होती है हमारे फ्लैट के अंदर। तो चलिए, यहाँ से हम अपने सैंपल फ्लैट पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप ये एक आयरन का गेट देख रहे होंगे, ये आयरन का गेट लगा कर दिया जा रहा है, ताकि सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, उस चीज़ के लिहाज से ये काम किया गया है। दोस्तों, अब यहाँ से आ जाइए, हमारा ये लिविंग रूम आपको मिल जाता है, बहुत ही बड़ा लिविंग रूम है, 12x20 के साइज का, यानी 12 feet x 20 square feet में ये बना हुआ ये आपको लिविंग रूम मिलता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो प्रॉपर सोफा प्लेसमेंट कर सकते हैं, इस एरिया को आप यूज कर सकते हैं, यहां पे एल कॉर्नर का आसानी से सोफा प्लेसमेंट कर सकते हैं, सेंटर टेबल लगा सकते हैं, और ये जो स्पेस आपको बचता है ना इतना, यहां पर आप अपनी डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। दोस्तों, किचन बिल्कुल सामने है, किचन के सामने आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, और आप देख रहे होंगे बहुत ही प्यारा वॉलपेपर इसमें लगाया हुआ है। एक चीज बता देता हूं, ये सैंपल फ्लैट है, ये हमारा सेल हो चुका है, इसके ऊपर की जो यूनिट है फर्स्ट फ्लोर अवेलेबल है, बिल्कुल सेम टू सेम वही काम उसमें भी आपको मिलेगा। दोस्तों, तो अब देखिए कितना बड़ा लिविंग रूम है, अगर ये लिविंग रूम आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि ये लिविंग रूम आपको कैसा लगा। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसका फॉल सीलिंग डिजाइन, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा डिजाइन आपको देखने को मिल रहा होगा, सेंटर में आप देखेंगे तो सैंडलेयर आपको मिल रहा होगा, सीलिंग फैन इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको लगाकर दिए जाएंगे। दोस्तों, और सामने देख सकते हैं एक LED पैनल यहां पर इंस्टॉल किया गया है, लगाया गया है, जिसमें आप अपना कोई भी फेवरेट प्रोग्राम यहां पर सोफे पर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, ऊपर आप देखेंगे तो
प्रॉपर स्टोरेज का स्पेस है, यहाँ पे आप अपना सामान भी रख सकते हैं। अब देखिए यहीं से हम चलेंगे हमारी किचन। किचन आप देख सकते हैं बहुत ही स्पेशियस और शानदार किचन है। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर तो ये आप भगवान जी की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो मैं बता दूँ कि ये हमारा फ्लैट सेल हो चुका है। हम अभी जिसकी सैंपल फ्लैट की वीडियो बना रहे हैं, अभी हाल ही में इसमें गृह प्रवेश हुआ था, तो अब फर्स्ट फ्लोर अवेलेबल है। बार बार बोल रहा हूँ, अगर प्रॉपर्टी पसंद आ रही है तो फटाफट कॉल कीजिए, विजिट के लिए आइए। अब देखिए काफ़ी स्पेशियस आपको किचन मिल जाती है, एक चिमनी इंस्टॉल करके दी जाती है इसमें, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये हैंडमेड की सिंक आपको मिल जाती है इसमें, और ऊपर भी आप देखेंगे तो प्रॉपर स्टोरेज इस किचन के अंदर आपको मिल जाता है दोस्तों। अब मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा वन बाई वन तीनों ही बेडरूम। तो ये आपको मिल जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम। इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमने शाफ्ट का स्पेस दिया है ताकि वेंटिलेशन बनी रहे इस बेडरूम के अंदर। और ये एक वॉल मिल जाती है आपको, डिजाइनर वॉल जिसमें वॉलपेपर इंस्टॉल किया गया है। सीलिंग डिजाइन आप देख सकते हैं डिफरेंट मिलेंगे आपको तीनों ही बेडरूम और लिविंग रूम के अंदर। और इसमें आप देखेंगे यहाँ पे तो स्प्लिट एसी का प्रोविजन दिया गया है ताकि आप स्प्लिट एसी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। यहीं से हम चलेंगे अभी, पहले मैं आपको सेकेंड बेडरूम दिखाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस अच्छे साइज का ये वॉशरूम है जिसमें प्रॉपर सैनिटरी आइटम की फिटिंग हो चुकी है, सीट्स लग चुकी हैं, आप देखेंगे तो लुकिंग मिरर लग चुका है डिजिटल ये, इसमें आप देखेंगे तो इसको ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ से इसके कलर्स चेंज होते हैं। और जितने भी सैनिटरी आइटम हैं, जो भी टाइलिंग वर्क है, इसमें सारा बेस्ट क्वालिटी का यूज़ किया गया है दोस्तों। ये वॉशरूम काफ़ी अच्छा है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा हमारा सेकेंड बेडरूम जो कि बालकनी के साथ अटैच है। ये मिल जाता है आपको हमारा सेकंड बेडरूम, काफी स्पेशियस है, अच्छे साइज का बेडरूम है, बालकनी के साथ अटैच है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो विंडो मिल जाती है, ऊपर आपको स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन मिल जाता है, और यहीं से बालकनी एक्सेस मिल जाता है आपको। लेकिन बालकनी में अभी आपको लेकर नहीं चलूंगा, पहले मैं आपको थर्ड बेडरूम दिखाऊंगा, उसके बाद हम बालकनी में चलेंगे। थर्ड बेडरूम जो कि मास्टर बेडरूम भी है, आप देख सकते हैं ये काफी अच्छे साइज का आपको थर्ड बेडरूम मिल जाता है, मास्टर बेडरूम काफी स्पेशियस और बड़ा। और इसमें आप देखेंगे तो सीलिंग डिजाइन आप देख सकते हैं डिफरेंट आपको मिलेंगे, और एक यहां पे वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम भी आप देख सकते हैं कि एक ठीक ठाक साइज का वॉशरूम यहां पे दिया गया है अटैच, और यहां से देखिए आपको मिल जाता है बालकनी में जाने का रास्ता। और यहाँ से हमें बालकनी में आने का रास्ता मिल जाता है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोनों बेडरूम जो थे जो बालकनी के साथ अटैच थे, एक बेडरूम आपको बैक साइड में मिल जाता है जिसमें शाफ्ट प्रोविजन दिया गया था। मुझे उम्मीद है कि ये प्रॉपर्टी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। एक बेडरूम आपको यहाँ मिल जाता है, उसके बाद एक बेडरूम आपको यहाँ मिल जाता है, किचन मिल जाती है, और ये काफ़ी बड़े साइज का आपको लिविंग रूम मिल जाता है दोस्तों। अगर ये प्रॉपर्टी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर परचेज करना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। कॉल करना बहुत जरूरी है, आप विजिट के लिए आ सकते हैं, विजिट कराएंगे आपको दोस्तों, हमें आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए, इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, नई उमंग, नई एनर्जी, नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।